तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में लेसन नंबर 3। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है लेसन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी अभी एक्सेल में आए हैं। तो मेन जो है लेसन यहीं से स्टार्ट होता है एक्सेल का, जहाँ पे हम फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करेंगे। तो ये जो अभी बेसिक कर रहे हैं जो भी, तो जैसे ही वो नंबर 3 वाले इस लेसन में आते हैं, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है एक्सेल के फॉर्मूलों का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ के लिंक हर एक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप कोई सी भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपनी जौन सी मर्जी लेसन के वीडियो देखने उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर पे कह रहे हैं कि ओपन द लास्ट सेव वर्कबुक। तो मैं अपना एक्सेल खोलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपनी जो है पिछली ओपन करनी है, तो मैं जाऊँगा ऑफिस बटन में, यहाँ लिखा है ओपन, और रिसेंट में भी पड़ी रहती है जो उनसे आपको फाइल छेड़ी होगी या लास्ट सेव करी होगी। तो ओपन से भी जा सकते हैं, ओपन से आपको यहाँ से जो है फाइल चूज करनी रहेगी कहाँ पे पड़ी है। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपनी फाइल को ढूंढ के ओपन कर सकते हैं, और हम यहाँ से भी रिसेंट से भी उठा सकते हैं। तो उसमें मैं पिछला राम वाला फाइल उठा लेता हूँ, और ये मेरी पिछली मान लीजिए सेव जो है फाइल है। ये मेरे ख्याल से मैंने एक्सेल के फर्स्ट लेसन में तैयार किया था इसको। तो चलते हैं, अब इस पे काम करेंगे। तो ओपन कर लिए, उसके बाद कह रहे हैं क्रिएट द फॉलोइंग डाटा इन दी न्यू शीट एंड रीनेम इट एज अ सैलरी डिटेल। तो ये जो है हमें डाटा यहाँ पे एक्चुअली फॉलोइंग डेट डाटा लिखा है दोस्तों। ये जो फॉलोइंग डाटा है हमें इसको जो इंसर्ट करना है जो है न्यू शीट पे, और फिर उसके बाद जो है शीट का नाम रीनेम करके क्या रखना है, सैलरी कैलकुलेशन। तो देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक डीए का है, एक पीएफ का है, एक ग्रोस सैलरी का है। तो मान लीजिए मैंने अपनी ये पुरानी फाइल खोली थी, लेकिन मैं ये जो मेरी फर्स्ट पेज पे, मैं एक सेकंड पेज पे चला जाता हूँ अपने इस फाइल के, सेकंड पेज ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं जो है मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ जो उन्होंने कहा है कि एक तो डीए का डालना है और एक पीएफ का डालना है और एक ग्रोस सैलरी का यहाँ पे एक डालना है। तो मैं ये मैंने डाटा डाला है यहाँ पे, इसको सैलरी पूरी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से इस कॉलम को जो है यहाँ से पकड़ के बाहर क्लिक करके यहाँ से इसको मैं थोड़ा यहाँ से सैलरी के आगे तक रख लेता हूँ, ये पूरी आ जाएगी। और फिर जो है मुझे सपोज ये मेरी सेकंड सीट है, तो इसको सैलरी कैलकुलेशन के नाम से भी रख सकता हूँ, सैलरी कैलकुले तो हम कुछ भी रख सकते हैं, सैलरी कैलकुलेशन ये रखा मैंने और बाहर क्लिक किया, ये जो है इस पेज का नाम सेव हो गया, सेकंड पेज का नाम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, कॉपी दी सैलरी डिटेल फ्रॉम सैलरी टेबल वर्कशीट एंड एड फॉलोइंग कॉलम्स आफ्टर बेसिक सैलरी। तो सैलरी ये जो है कॉलम्स हमें ऐड करने हैं, अभी मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। तो जो है हम जाएंगे फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे जो है हमें जो है अपनी पूरी टेबल जो है यहाँ से सैलरी डिटेल टेबल है हमारी, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने कंट्रोल दबा करके कीबोर्ड से सी दबा दिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप देख सकते हैं कितने कॉलम है, 1, 2, 3, ठीक है ना, 3 कॉलम है। मैं गया सेकंड पेज पे, अपने सेकंड पेज पे गया और यहाँ पे 1, 2, 3 इस वाले कॉलम से 3 लेने मुझे आ गए यहाँ इस सेल पे, 1, 2, 3 देन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं कंट्रोल वी ये माउस से राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट। तो ये 3 बॉक्स ले लेंगे ऐसे, और साथ में आगे के हमारे ये है। तो इस तरह से जो है हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में मैं इसको यहाँ से जो है मेरी हैशटैग आ रही है तो मैं इसको आगे करता हूँ। मैंने बताया था आपको इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हैशटैग वैल्यू हट जाएगी और आपका जो है ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, और अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पर भी बॉर्डर चाहिए मुझे इतना, इस जो कॉलम मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से बॉर्डर लेंगे, होम टैब में ही जाके ये बॉर्डर पे जाके मुझे ऑल बॉर्डर करना है, इस पर क्लिक किया तो ये भी जो है सेम जो है बन गया इनके साथ, ऐसा लग रहा है पूरी टेबल अब एक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी पूरी जो उन्होंने कहा था, जिस हिसाब से बड़ी अजीब है। खैर, अब नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट दी रिमेनिंग फील्ड्स। जो ये फील्ड्स है इनको हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि डी ए निकालने हैं 5% और पीएफ निकालना है 10%, और ये जो आपको कैलकुलेट ग्रोस सैलरी ये लास्ट में है। तो
तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ कॉमा के अंदर 5% भी डाल देता हूँ ताकि पता चले 5%, और इसके अंदर भी 10% लिख देता हूँ। ठीक है, अब पता चल रहा है 5% 10% ग्रोथ सैलरी। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, इन सारों हेडिंग को मैं सेंटर कर देता हूँ। ये कुछ नीचे है तो कुछ ये पहले टेबल के हैं, कॉपी हुए हैं, तो मैं सारों को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और यहाँ से जो है मुझे मैं सभी को यहाँ से सेम कर देता हूँ सेंटर में। हाँ अब ये सही रहेगा, और नीचे करना तो नीचे, ऊपर करना तो ऊपर। मैं इसको यहाँ सेंटर ही रहने देता हूँ, दोनों को सेंटर कर लेता हूँ बस। अब सारे सेम हो गया। अगर मुझे इनको सेलेक्ट करके बोल्ड करना है, मैं बोल्ड भी करता हूँ, बेहतर दिखाई देंगे मेरे हेडिंग्स। अच्छा मुझे अब डीए निकालना है। अब यहाँ से मेन होता है एक्सेल का बेसिक जो सीख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज़ होता है आप देखो, डाटा का कैलकुलेशन यहाँ कितना ईजी वे से होता है। तो देखो यहाँ पे मुझे निकालना है डीए। यहाँ पे डीए मतलब डियरनेस अलोनेस है, ये जो है आपको सैलरी में दी जाती है, सैलरी में ऐड होती है आपके डियरनेस अलोनेस अगर आपको दी जाती है तो। और ये होता है अगला पीएफ मतलब प्रोविजन फंड, ये प्रोविजन फंड आपके सैलरी में से काटी जाती है, परंतु जब आप अपना जॉब छोड़ रहे हो या फिर आप जब मर्जी चाहिए आप अपना प्रोविजन फंड अमाउंट ले सकते हैं कंपनी या बॉस से। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ सैलरी, आप उसमें आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होएगा। तो सबसे पहले होगा डीए, डीए क्या जो आपको सैलरी में दी जाएगी 5%। कैसे आप डीए निकालेंगे कैसे, देखो एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। गाइस फॉर्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू। हम एमएस वर्ड में क्या करते थे, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ कि सपोज ये मेरा टेबल एमएस वर्ड खोला मैंने, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा करके रखा और फिर F9 दबाता था, ये खुलता था, उसके अंदर मैं डालता था इज इक्वल टू, और फिर अगर मुझे 5 लिखना होता था और फिर प्लस का साइन भी डालना होता था, फिर मैंने 5 लिखना होता था और 5 लिखना होता था, उसके रिजल्ट के लिए मैं F9। तो देखा आपने कैसे फॉर्मूला लगाया था एमएस वर्ड में, तो पहले ब्रैकेट लगाते थे फिर इज इक्वल टू ऐसे लगाते थे, और रिजल्ट के लिए F9 फिर 10 आता था। तो ये तो एमएस वर्ड का था। तो एक्सेल में हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको तरीकों का पता चलता रहेगा, फॉर्मूलों का कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप किया। अब मैं यहाँ पे मुझे किस पे चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए 6000 पे चाहिए डीए। डीए हमारी बेसिक सैलरी पे मिलेगी हमें। ठीक है, हमारी बेसिक सैलरी कितनी है 6000, तो मैं 6000 टाइप करूंगा। ठीक है, और फिर मैं करूंगा मल्टीप्लाई, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, फिर लगाता हूँ मैं परसेंट, क्योंकि 5% लगाना है, ऐसे लगाते हैं ना, और फिर मैं करूंगा एंटर, तो इसका जो है 5% 300 रुपये होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके इसको मैं डिलीट मारता हूँ, मैं लगाऊंगा दोबारा से इज इक्वल टू, मैं 6000 टाइप नहीं करूंगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि इज इक्वल टू लगाने के बाद जब आप कुछ भी क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे वो बॉक्स का नाम आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने B13 इसने उठा लिया। इज इक्वल टू के बाद आप जहाँ भी क्लिक करोगे दोस्तों वो यहाँ पे उठा लेता है सेल। तो इज इक्वल टू मैंने डाला, इज इक्वल टू का मतलब होता है आगे फॉर्मूला लगा रहे हो आप, तो इज इक्वल टू मैंने जैसे ही डाला, अब मुझे चाहिए बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा ये, क्योंकि F5 पे हमारा ये इस सेल पे ये अमाउंट है, तो हमें 6000 लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं इस सेल को इज इक्वल टू के बाद सेलेक्ट कर लूंगा। फिर मुझे यहाँ लगाना है मल्टीप्लाई और लिखना है 5%। ये करने का आपको फायदा मैं बताता हूँ आपको अभी। तो मैंने कर दिया 5%। इस तरह से भी अगर मैं फॉर्मूला को लगाऊंगा तो भी वही आंसर आएगा, मैं एंटर दबाऊंगा 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह भी लगाएंगे, और उसके बाद देखो अब क्या होता है, जब मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, अब क्या करूंगा, मैं इसको ड्रैग करूंगा, मैं यहाँ पे गया खींच के नीचे तक ड्रैग किया मैंने इसको, तो ये देखो एक्सेल का फायदा, वो फॉर्मूला जो है अंदर लगा हुआ था जो उनसा, ड्रैग करने पे फॉर्मूले के साथ अपने आप अप्लाई हो गया सभी के वैल्यू, मुझे बस एक पे लगाने की जरूरत थी और बाकी सब अपने आप आ गया। तो इसको कैसे करेंगे देखो, इज इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, अंदर मुझे ये वाला सेल, ठीक है, और फिर क्या प्लस करना है मुझे ये वाला सेल, और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ये दोनों अंदर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आगे कर देंगे हम मल्टीप्लाई 10%, और उसके बाद हम, आप समझ रहे हो, ये दोनों तो अंदर प्लस हो जाएंगे और बाद में 10% से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये करने के बाद एंटर कर देंगे
630 रुपए प्रोविजनल फंड होगा। अब इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करने पे अपने आप ये सब देख लेगा, ठीक है। अगला है ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी कैसे निकलेगा, इसमें जो है आपको बेसिक सैलरी, डियरनेस, अलोनेस, ये आपको दोनों मिलेगा और प्रोविजनल फंड माइनस कर देंगे तो आपको ग्रोस सैलरी मिल जाएगा। तो अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू, आगे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट शिफ्ट दबा करके मैं 9 दबाऊंगा तो ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको प्लस करूँगा और डियरनेस अलोनेस को प्लस करूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और जो इसमें से होगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, आगे कर दूंगा मैं दोस्तों माइनस ये सेल, और फिर मैं कर दूंगा एंटर, तो ये होगा जो ग्रोस सैलरी। और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर लूंगा, तो इस तरह से ये ड्रैग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा मुझे यहाँ पे बस एक पे अप्लाई करना था, बाकी मैंने ड्रैग किया तो उसने अपने आप ही फॉर्मूला उठा लिया सामने से, जो फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ था। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैं 300 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है ये फॉर्मूला बार में। अब देखो यहाँ पे यही बात है कि देखो मैंने यहाँ पे अगर कुछ भी नॉर्मली टाइप किया रकम तो ये फॉर्मूला बार में यही शो होता है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नाम तब भी ये यही होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया है, इस पर क्लिक किया तो इसका अंदर का झोल जो है वो ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस सेल पे क्लिक करोगे आपको वही दिखाएगा, जैसे कि देखो बाकी चीज़ पे फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ है तो ये दिखा रहा है, पर बट मैं फॉर्मूला वाले पे किसी सेल पे क्लिक करता हूँ ऊपर वाले में तो अंदर का क्या झोल है वो दिखा रहा है, ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हमने ये सारा निकाल लिया, कैलकुलेशन कर लिया। नेक्स्ट है क्रिएट अ कॉपी ऑफ द टेबल इन टू अनदर शीट विद द लिंक। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो है हमारी टेबल है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने कीबोर्ड से क्या करा, कंट्रोल दबा करके सी, कॉपी हो गया। अब मैं ये तीसरी शीट, न्यू शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे तीसरी शीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे खाली है मेरी शीट, तो यहाँ पे जो है मुझे पेस्ट करना है, मैं माउस से राइट क्लिक करा और यहाँ पे मुझे पेस्ट के नीचे जो है पेस्ट स्पेशल दिखेगा, इस पर क्लिक किया और ये रहा मेरा सबसे नीचे पेस्ट लिंक, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे पेस्ट होगा। तो डाटा यहाँ पे सही से नहीं लगा हुआ है कॉलम में, तो मैंने बताया था कि डाटा को सही से कैसे बिठाते हैं, कि सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से आप जो है यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, होम टैब में ही फॉर्मेट में यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ, आपका डाटा जो है प्रॉपर कॉलम के हिसाब से जो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेस्ट लिंक ऐसे करना था हमें कॉपी करके, तो ये हमने कर दिया पेस्ट। उसके बाद है गिव डबल लाइन बॉर्डर टू द आउटसाइड ऑफ द टेबल एंड डॉटेड लाइन बॉर्डर इनसाइड ईच सेल। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको मैं थर्ड शीट है, मैं सेकंड शीट में जाता हूँ अपना। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे कि ये जो मेरी टेबल है चारों तरफ जो है इसकी डबल लाइन देनी है बॉर्डर, और जो अंदर सेल है हर एक सेल में जो है डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ से मुझे यहाँ तक करना है ना फॉर्मेट, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर होम पे क्लिक किया टैब पे, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करूँगा, अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया मैंने, मेरा फॉर्मेट सेल करके ऑप्शन आया यहाँ पे, देखो नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन सभी ऑप्शन है यहाँ पे, हमें बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है मेरा सिलेक्टेड डाटा के लिए बॉर्डर के लिए ऑप्शन खुल गया यहाँ पे, तो पहले मुझे यहाँ पे एक लाइन लेनी है, कौन सी लेनी है मुझे, डबल लाइन, तो ये रही वो डबल लाइन बॉर्डर, तो मैंने इसको क्लिक किया। अब जो है ये रहा मेरा पूरा डाटा है दोस्तों, अभी जो है कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है सिंगल लाइन का आप देख सकते हो लगा हुआ है, तो मैंने डबल लाइन का क्लिक किया, और उसके बाद अभी जो देख सकते हो मेरा कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है सिंगल लाइन का यहाँ पे। तो अभी जो है देखो मैंने ये आपको एमएस वर्ड में भी बता रखा था, शायद पता होगा आपको, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ पे मुझे लगाना है चारों तरफ, मैं पहले चारों तरफ अप्लाई करता हूँ, क्लिक करके चारों तरफ मैंने अप्लाई कर दिया। अब मुझे इस अंदर के लाइन का मतलब होता है सेल का, सेल का मुझे चाहिए डॉटेड, तो पहले मैं अब डॉटेड लूंगा, और बीच पे डॉटेड और बीच में डॉटेड, ये दोनों बीच में सेल के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो मेरे डाटा पे आप देखो डबल लाइन बॉर्डर लग गया, मैंने बाहर क्लिक किया यहाँ पे डबल लाइन बॉर्डर लग गया है साइड से, और अंदर जो है जो सेल में वो डॉटेड लाइन लग गई है, ठीक है, मेरे डाटा के टेबल पे। तो मैंने ये भी कर दिया। अगला है दोस्तों
डिजाइन द सैलरी डिटेल टेबल विद सिंपल फॉर्मेट फ्रॉम ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। तो जो टेबल है इसको जो है हमें फॉर्मेट देना है। तो मैंने मुझे सारे डाटा को सिलेक्ट किया, इसी का मुझे फॉर्मेट चेंज करना है। मैंने टेबल को सिलेक्ट करा है पहले, तो उसके बाद जो है मैं होम टैब पे जाऊंगा और यहाँ पे जो है ये रहा मेरा स्टाइल एज अ फॉर्मेट एज टेबल, ये रहा फॉर्मेट को ऑप्शन पे क्लिक किया और आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट फॉर्मेट, मीडियम फॉर्मेट, डार्क फॉर्मेट, आप कोई सा भी फॉर्मेट जो है आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हैं। सपोज मुझे जो है ये हल्का सा मैं ये ले लेता हूँ ग्रीन वाला, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये एरिया ले लिया यहाँ पे इस टेबल का पूरा और ओके करेंगे तो ये देखो फॉर्मेट जो इसका चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम टेबल को ड्रैग कर सकते हैं। तो ये जो है बाहर क्लिक किया मैंने और ये देखो फॉर्मेट जो इसका पूरा टेबल का चेंज हो गया। तो यहाँ से ये फॉर्मेट एज अ टेबल यहाँ से कोई सा भी एक फॉर्मेट ले सकते हैं। तो फॉर्मेट लेने के लिए कह रहे थे वो कोई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगले गिव लाइट शेड टू दो सेल विच हैव ग्रोस सैलरी मोर देन 10,000 एंड गिव डार्क शेड टू दोज विच हैव ग्रोस सैलरी लेस देन 10,000। मतलब कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है उसको तो हल्का सा कोई रंग दो और जिसकी सैलरी 10,000 से कम है उसे जो है एक डार्क कलर दो, शेड दो। तो ग्रोस सैलरी में ये जो मेरी ग्रोस सैलरी है, सपोज ये मेरी ग्रोस सैलरी है, तो पहले मैं इस जो मेरी फॉर्मेट मैंने लगाई थी इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने फॉर्मेट लगाई थी, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये हट गई मेरी फॉर्मेट। तो ये अब मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं, मैंने ग्रोस सैलरी में मैंने इसको सिलेक्ट किया अपनी ग्रोस सैलरी को, ठीक है। यहाँ पे जो है जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है उसको जो है हल्का रंग देना है और जिसकी जो है 10,000 से कम है उसको डार्क रंग देना है। तो वो कैसे करेंगे, इसको मैंने सैलरी को पूरी यहाँ तक ले ली और उसके बाद होम टैब में कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी करना है ऊपर सबसे ऊपर ही हाईलाइट सेल्स रूल पे, जहाँ पे इस पर मैं अभी क्लिक नहीं किया, कर्जर रखता हूँ तो इसके आगे और ऑप्शन खुलते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का, बिटवीन का, इक्वल टू का। पहले आप एक समझ ले तो आप बाकी अपने आप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर क्या है ग्रेटर देन, इसको क्लिक किया और यहाँ पे जो है अमाउंट डालना है, मैं इसको यहाँ से जो है हटा देता हूँ बैक करके, कितना 10,000 लिखना है हमें, ग्रेटर देन 10,000, जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। 10,000 डालने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे हम छोटी सी डॉट पे। यहाँ पे कलर कौन सा देना है आपको, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। देखो फिलहाल तो अभी ये रेड कलर है तो ये लग चुका है यहाँ पे, पर मैं यहाँ से दूसरे कलर भी ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे कौन सा कलर देना है, हल्का कलर देना है जिसके कि 10,000 से ज़्यादा हो, तो लाइट रेड ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये लाइट रेड लग जाएगा। उसके बाद जो है वापस मैं इसको सैलरी पे क्लिक करूँगा और फिर होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर इसी पे हाईलाइट पे, अब लेस देन चाहिए, ये रहा इसका मार्क लेस देन का, लेस देन पे क्लिक किया, ये टेबल वापस खुला, इसको मैंने हटाया यहाँ से, 10,000 वापस डालेंगे तो 10,000 मैंने यहाँ पे डाला। इसको क्या देना है कलर, कलर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो उनसे कलर देना है मैं यहाँ पे डार्क देना है मुझे, जिसकी लेस देन लिखा ना यहाँ पे, लेस देन 10,000 हो तो डार्क देना है उसको, डार्क कोई सा भी दे सकते हैं या फिर यहाँ कस्टम फॉर्मेट करके भी कोई देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डार्क येलो दे देता हूँ इसको और यहाँ से ओके करता हूँ। तो अब देखो जिसकी 10,000 से ज़्यादा थी उसको लाल रंग है और जिसकी 10,000 से कम थी येलो रंग है। तो यहाँ पे देखते ही हम फटाफट से बता सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा वाले कितने हैं वो है। तो एक तरह से एक डाटा एनालिसिस करने के लिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम आती है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे देखा। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिएट अ स्टाइल विद योर नेम विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो मुझे जो एक स्टाइल क्रिएट करना है मेरे नाम से और ये रही उसकी जो है क्या क्या उसमें चाहिए मुझे अपने स्टाइल में। देखो यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया और ये रहा मेरा स्टाइल का बॉक्स, इसके अंदर है कंडीशनल फॉर्मेट और एक सेल स्टाइल। तो मैं सेल स्टाइल पे क्लिक करूँगा। सेल स्टाइल पे क्लिक करने के बाद जो है अब हर एक सेल पे जो है सेल को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी टेबल को क्रिएट करके उसका फॉर्मेट यहाँ से बदल सकते हैं ना, वैसे ही हम सेल की भी स्टाइल बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैंने सारे को सिलेक्ट किया और जब फॉर्मेट टेबल करता हूँ, फॉर्मेट एज अ टेबल, तो अब ये तो पता ही आपको कोई सा भी यहाँ से करके टेबल का रूप बदल सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं गाइज, अगर मुझे सपोज मैंने इसके सभी के डब्बे चेंज करने अंदर से सेल्स, तो मैं सेल्स पे जाऊँगा और यहाँ से इनको भी कोई लुक दे सकता हूँ। अब देखो ये रहे, ठीक है।
हम एक उसकी फॉर्मेट भी बदल सकते हैं और एक सेल की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं वो कि सेल स्टाइल पे जाना है मुझे, यहाँ पे जो है नीचे एक न्यू सेल स्टाइल क्रिएट करना है मेरे नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टाइल नेम क्या देना है मुझे, बैक करके अपना नाम देना है, सपोज मेरा नाम है राम स्टाइल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ करूँगा फॉर्मेट, क्योंकि मुझे अंदर और भी चीज़ें चाहिए। फॉर्मेट किया तो उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट पे गया मैं। फॉन्ट पे यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल, हम सेल में जो है एक अपने नाम से फॉर्मेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हमें बताया हुआ है कि भाई फॉन्ट लेना है एरियल। तो फॉन्ट पे यहाँ पे नीचे जाऊँगा मैं, ए से ढूँढूँगा एरियल, ये रहा एरियल। तो साइज़ मुझे लेना है यहाँ से 14, और उसके बाद जो कलर लेना है मुझे येलो कलर पे, ये रहा बॉक्स पे, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से येलो उठा लूँगा मैं। और उसके बाद मुझे बॉर्डर भी चाहिए गाइस, तो मैं यहाँ इसके बगल में बॉर्डर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है मुझे जो है एक थिक लाइन चाहिए, मैंने ये क्लिक किया, थिक लाइन मोटी लाइन। और कलर लेना है मुझे कोई सा कलर, ये ब्लू, मैंने ये ब्लू कलर ले लिया सपोज। उसके बाद अलाइनमेंट भी चाहिए, अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो अलाइनमेंट हमें क्या चाहिए, सेंटर, और ये सेंटर ही है। तो हमें जो है अलाइनमेंट चाहिए थी, फॉन्ट में सेटिंग चाहिए थी, बॉर्डर में चाहिए थी, तीनों की हमने कर दी। देन यहाँ से ओके, और यहाँ से मैंने अपना नाम तो लिखा ही है, और फिर ओके। तो अब क्या है दोस्तों कि जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा ना, अगर सेल स्टाइल पे जाऊँगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे कस्टम पे, कस्टम पे मेरे नाम से है राम्स, आगे स्टाइल लिखा नहीं है, राम्स तक लिखा हुआ है। तो देखो जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, क्लिक, तो देखो जो मैंने यहाँ पे अपने आप सेटिंग करके डिज़ाइन करी थी सेल स्टाइल की, वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो है अप्लाई हो गया येलो कलर में, जो मैंने यहाँ पे अपने सेल्स अपने नाम से यहाँ कस्टम से बनाई हुई थी। इस तरह से हम अपने अपने डिज़ाइन भी यहाँ पे सेल की अगर कुछ रखना चाहते हो तो बना सकते हैं यहाँ पे कस्टम करके। देन मैं ऐसे ये कंट्रोल जेड करता हूँ, बड़ा ही बेहुदा था ये बना हुआ, कोई नहीं। अब तो नेक्स्ट है कि क्रिएट अ बुकमार्क ICFP फॉर द स्टॉक डिटेल टेबल। तो एक टेबल के लिए मुझे क्या करना है, ICFP ये जो है एक बुकमार्क लगानी है। उसके बाद क्या करना है कि क्रिएट अ हाइपरलिंक फॉर द अबव बुकमार्क। इसको मैं जो है आपको 10th पॉइंट समझाता हूँ अपने एक्सेल पे, ऐसे समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MS Word में जो है हम इंसर्ट पे क्लिक करते थे, इंसर्ट पे ये रहा हमारा हाइपरलिंक और यही होता था हमारा बुकमार्क, है ना, एक साथ ही होता था ना। लेकिन भाई एक्सेल पे नहीं शो हो रहा है डायरेक्ट यहाँ पे बुकमार्क, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे भी करेंगे, कैसे करते हैं देखो। तो आपको बुकमार्क तो पता ही होगा कि क्या था, तो देखो बुकमार्क क्या है। तो दोस्तों देखो, मान लीजिए जो है मेरे पास तो अभी फिलहाल एक ही टेबल है, तो मान लीजिए मेरे पास जो है बहुत सारी शीट्स हैं और बहुत सारे टेबल हैं। तो आपको मान के चलना है कि ये जो है अभी तो हम यहाँ पे पहले पेज पे है, पर आप ये मान के चले कि भाई हम यहाँ पे बहुत नीचे हैं अपने फाइल में, वर्कशीट में बहुत नीचे हैं। तो ठीक है, अब मुझे जो है जब भी मैं अपना एक्सेल खोलूँ कि मुझे बस इसी टेबल पे मैं चला जाऊँ एकदम से ही, तो इस पे बुकमार्क कैसे लगाऊंगा। अब इस पे हम ये सीखेंगे एक्सेल पे कि बुकमार्क कैसे लगाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये मेरा स्टॉक डिटेल टेबल है, ठीक है, इस पे हम बुकमार्क लगाएंगे। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ वीव पे गया, वीव पे जाने के बाद यह क्या है, कस्टम वीव, ठीक है। एक तरह से यही हमारा जो है बुकमार्क है, अभी पता चल जाएगा आपको कैसे। तो मैंने कस्टम वीव पे क्लिक किया, आपका डाटा यहाँ से सिलेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है मुझे अब नाम डालना है। अब यहाँ पे इसको डाल देता हूँ ICFP जो भी था हमारा, इस नाम से मैंने यहाँ पे एक बुकमार्क क्रिएट करता हूँ। मैंने किया ओके, ओके हो गया मेरा, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब मैं सपोज आपको समझाने के करता हूँ, ये मैं गया नीचे 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 नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ नीचे हूँ मैं, ठीक है। अभी देख रहा हूँ स्क्रोल बार हमारा नीचे है। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने एक्सेल खोला और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और फिर मैं व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे तो मैंने ऐड कर रखा था पहले से ही ICFP के नाम से बुकमार्क। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, तो एकदम से मैं अपने टेबल पर जंप कर जाऊँगा, मैं यहाँ से शो कर दूँगा। देखो ये मेरा पहले से ऐड है, मैंने ऐड कर रखा है, मैंने किया शो, तो मेरा टेबल एकदम यहाँ पे आ गया। तो ये बुकमार्क हम यहाँ पे जो है हमने अपने MS Excel पे इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है बुकमार्क यहाँ पे शो होता है कस्टम व्यू के रूप में इस तरह से। तो
उसके बाद अब हम अब हाइपरलिंक लगाना सीखेंगे हम। तो अब हाइपरलिंक लगाना सीखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक लिंक लगाना है हाइपरलिंक। तो उसके लिए तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे होता है हमारा हाइपरलिंक, और इस पर मैंने क्लिक किया और ये रहा यहाँ पे हमारा बुकमार्क का ऑप्शन। बुकमार्क में हम जो है यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे पड़ा होगा सैलरी डिटेल टेबल, ये फर्स्ट जो है हमारा पेज है, ये सेकंड पेज है शीट है, ये हमारी थर्ड शीट है। तो हम तो अभी सेकंड शीट पे है और ये रही फर्स्ट शीट। तो मैं अगर फर्स्ट शीट पे जाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा और ओके। तो उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से भी ओके और यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी। देखो अब मैं अभी कौन से पेज पे हूँ, देखो ये शीट कौन सी है, फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट। अभी हम सेकंड शीट पे है पर मैंने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दिया, कौन से का, फर्स्ट शीट का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा लिंक पे तो मैं फर्स्ट शीट पे चला जाऊँगा। ये देखो ये आ गया मैं फर्स्ट शीट पे ऐसे, और ये हमारी सेकंड शीट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये रहा मेरी लिंक। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, साफ सीधी बात, बुकमार्क का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने पेज पर कहीं पर भी जंप कर सकते हैं अगर आपने बुकमार्क लगा रखा है अपने वर्कशीट पे। और जो आपका लिंक होता है वो लिंक में क्या होता है कि आप जो है अपने लिंक से किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है बस। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि सेट प्रिंट एरिया ओनली फॉर दिस सैलरी डिटेल टेबल। देखो ये जो हमारी टेबल है सैलरी डिटेल टेबल, मुझे जो है प्रिंट करना है। अगर मेरे पास मान लो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, इधर भी लिखा है, अगर मुझे अभी प्रिंट प्रीव्यू देखना है इसका कि मेरे पेज का मैं प्रिंट लूँ तो कैसा दिखेगा, तो मैं देखने के लिए कंट्रोल दबा करके F2 दबाऊंगा। तो देखो अगर मैं अभी प्रिंट निकाल लूँ तो थोड़ा इसको जूम करता हूँ, तो देखो नीचे ये भी आएगा, ये भी आएगा, और मेरा ये टेबल भी आएगा जन फंड का, और ये आगे कट रहा है, देखा। तो हम जो है प्रिंट निकालने से पहले देख भी सकते हैं कि मेरा प्रिंट कैसा निकलेगा। तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, ये मेरा PF तक आ रहा है, तो आगे का भी लाते हैं। देखो तो देखो ये मैंने बताया था आपको कि ये डॉटेड डॉटेड डार्क डॉटेड लाइन जो है H के बाद, यहाँ से हमारा एक पहला पेज होता है, तो ये हमारे पेज से डाटा बाहर जा रहा है। तो पहले तो हम इसको अंदर करते हैं भाई अपने टेबल को, कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जो है हम टेबल को ऐसे करके ड्रैग करके साइड में ले आते हैं ऐसे, ठीक है। ये डॉटेड डार्क लाइन है इस पेज के अंदर हमारा आ गया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, कंट्रोल F2, तो देखो प्रिंट प्रीव्यू में जो है हमारा पूरा डाटा आ गया है। बट अब वो क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई प्रिंट जो है ना, प्रिंट लोगे आप, जो आप प्रिंट लोगे ना दोस्तों, तो ये नहीं आने चाहिए नीचे का डाटा, बस आपको टेबल टेबल प्रिंट में लाना है। तो अब कैसे करेंगे वो, सपोज हमारे पास बहुत सारा डाटा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बट अगर मुझे बस इतने से एरिया का प्रिंट चाहिए तो कैसे लूंगा मैं। तो पहले क्या करेंगे हम, अपने जो है टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे इतना कि मुझे इतने का प्रिंट चाहिए। उसके बाद मुझे करना है पेज लेआउट पे क्लिक, ये रहा आपका प्रिंट एरिया, तो इस पे क्लिक करेंगे, और ये रहा आपका यहाँ पे एक होता है सेट प्रिंट एरिया, एक होता है क्लियर। तो पहले मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, तो पहले मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कुछ डॉटेड लाइन लग चुकी है अजीब सी, और ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेट हो गया, अब मैं देखना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा करके कीबोर्ड से F2 दबाऊंगा, तो ये रहा मेरा प्रिंट, ऐसा प्रिंट आएगा, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में। फिर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल दबा करके F2 दबाना होता है, या फिर आप अपने ऑप्शन पे यहाँ पे जाके आप प्रिंट पे जाके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा क्लोज, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट ही बताया कंट्रोल दबा करके F2। तो ठीक है, ये रहा मेरा यहाँ पे प्रिंट सेट हो जाएगा। अब मैं डाटा कुछ भी टाइप करूँ यहाँ पे मेरा, बट प्रिंट एरिया सेट है। तो अगर मुझे अब इसको डिलीट करना है प्रिंट एरिया को, अब कैसे करेंगे, वापस प्रिंट एरिया पे जो है पेज लेआउट में प्रिंट एरिया पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे, ठीक है, प्रिंट एरिया क्लियर। तो फिर हमारा जो है ये पूरा डाटा पेज पे जो भी पड़ा होगा पूरा जो है प्रिंट होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑफ द सैलरी डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी डिटेल है इस टेबल में है, जो सैलरी डिटेल के टेबल पे
ये जो हमारी यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया उसको हटाना है। मान लीजिए मैंने क्या क्या लगाया था, ये लगाया था ना यहाँ पे अपना जो सेल का ये इंक्रीज वगैरह डिक्रीज हुआ, तो इसको हटाना है। तो मैं पूरे टेबल को जो है सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद होम पे ही मैंने क्या लगाया था यहाँ पे, ये लगाया था मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इस पर क्लिक करूंगा और नीचे जाऊंगा, यहाँ पे क्लियर रूल करना है, क्लिक नहीं करना है, इस पर कर्सर लाना है, इसका ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, जो भी रूल आपने शीट पे अप्लाई करी थी तो यहाँ से क्लियर कर देंगे और ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहीं से अप्लाई होगा और यहीं से जो है क्लियर होगा। और नेक्स्ट है आपका कि सेव एंड क्लोज योर वर्कबुक। तो इस वर्कबुक में हमारी फर्स्ट शीट, सेकेंड, थर्ड पे कुछ नहीं है, थर्ड पे वो हमने कॉपी करके दिया था आपको, तो ये है, इसको हम सेव कर देंगे। फिर इस पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से सेव, तो फिर सारा डाटा मेरे नाम वाले फाइल में सेव हो जाएगा। देन मैं यहाँ से इसको क्लोज कर पाऊंगा और फिर यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी, तो समझ आई होगी तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।